क्या आप भी एक्ने पिंपल से परेशान हो? समर्स हैं, इतने भयंकर तरीके से गर्मी हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, इचिंग फंगल इन्फेक्शन हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। घर के बाहर एक कदम रखो तो सूरज चाचू सर पे खड़े हो जाते हैं, जिससे यू नो टैन बर्न तो हो ही जाता है, साथ ही साथ ब्लैक स्पॉट्स भी एज अ गिफ्ट हमें मिल जाते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते हुए हमारी स्किन ब्राइटर एंड स्किन में रेडियंस तो कहाँ से नजर आएगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो, बस 2 स्टेप्स को फॉलो करो और रिजल्ट आपको खुद ब खुद नजर आ जाएंगे। Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो विद यू। यस, इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर 2 स्टेप्स फॉर ब्राइटर स्किन। यस, तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 2 स्टेप्स को फॉलो करके आपकी स्किन कैसे ब्राइटर हो सकती है। यस, ब्राइटर मैंने इसलिए कहा बिकॉज अगर हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम की छुट्टी हो जाएगी तो हमारी स्किन ब्राइटर एंड रेडियंट तो लगेगी। लाओ वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले आपको क्या करना है, एंड तक ये वीडियो देखना, बिकॉज एंड में मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाने वाली हूँ। नंबर 1 स्टेप इज क्लीन योर फेस एवरी सिंगल डे। यस, हमें अपनी स्किन को डेली क्लीन करना होता है। तो अगर आप फेस वॉश यूज कर करके थक चुके हो ना लिटरली, सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। दिस इज अ हर्बल सोप, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दिस इज 100% हैंडमेड एंड नेचुरल, एंजिना प्लस नेचुरल स्किन केयर सोप। सो मेरे पास ये 2 सोप्स हैं। एक जो इससे पहले वाला था वो मैं अभी तक यूज कर रही हूँ, वो फिनिश नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज वो अच्छा नहीं है अभी दिखने के लिए स्क्रीन में। तो दैट इज वाई मैंने न्यू वाला निकाल लिया। लेट्स ओपन इट एंड ट्राई दिस आउट। सो अंदर से कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, एज यू कैन सी। एंड जैसे आप इसे ओपन करते हो ना, आपको एक हर्बल फ्रेग्रेंस इससे आएगी। इसका लेदर बनाया कुछ इस तरीके से एंड में से अप्लाई करूंगी। ये सोप प्योर कोकोनट ऑयल से बनाया गया है, नारियल के तेल से बनाया गया है, एंड इसमें 5 हाईली प्रेशियस ऑइंटमेंट्स, इट मींस मलहम मिलाए गए हैं, प्लस इसमें 32 हर्बल मेडिसिन की वेराइटीज इसमें मिलाई गई हैं। सो यू नो हमारी स्किन में पिंपल्स, एक्ने, रैशेस, इचिंग एंड फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक स्पॉट्स एक्सेट्रा, जो स्किन में प्रॉब्लम होती है ना, वो दूर हो जाती है। बैग आफ्टर वॉशिंग माई फेस, मैंने टिंटेड लिप बाम लगा लिया है। सो नाउ वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्रूव योर स्किन टेक्सचर। तो अब हम अपनी स्किन के टेक्सचर को कैसे इम्प्रूव करेंगे? फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, दिस इज फ्रॉम एंजिना फेयरनेस ऑयल टू ब्राइटन अप योर स्किन। इसके नाम पे मत जाना, फेयरनेस वर्ड पे मत जाना, इट जस्ट मीन दैट अपनी स्किन को इम्प्रूव करो, ब्राइटन अप करो, ना कि काले से व्हाइट भूत बन जाओ। इन द ग्लास बॉटल, एज यू कैन सी, काफी ज्यादा लग्जूरियस से इसकी पैकेजिंग लगती है ये ग्लास बॉटल में, एंड ये इस तरीके से ड्रॉपर में आता है, जो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अप्लाई करने के लिए। इस तरीके से पाम पे लूंगी मैं कुछ ड्रॉप्स, एंड स्मेल्स नाइस। हाथों में अच्छी तरह से रब करके इसे अपनी स्किन में अप्लाई करूंगी। एंड मैं कोई सा भी प्रोडक्ट अपनी स्किन में अप्लाई करती हूँ ना, तो मसाजिंग मोशन में इसे अप्लाई करती हूँ, जिससे यू नो हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट में आता है। सो रेगुलरली जैसे जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी स्किन तो ब्राइटन अप होती होती है, साथ ही साथ जो पिंपल एक्ने की जिद्दी मार्क्स हमारी स्किन में होते हैं ना, उसको भी रिड्यूस करता है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, स्किन में जो पिगमेंटेशंस होती है उसको रिपेयर करता है। एंड आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसे स्किन में अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किन काफी ज्यादा प्लम्पी एंड ग्लोई ड्यूई होते हैं। वो आप हमेशा याद रखो, कोई सा भी प्रोडक्ट अप्लाई करो ना, तो उसे जरूर इंक्लूड करना मसाजिंग को, लाइक इस तरीके से आईज के अराउंड बिल्कुल लाइट, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, तो उसको प्रेस करना है इस तरीके से, अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ जाना है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। जैसे ही आपको इसे लगाए हुए 1 घंटा हो जाता है ना, उसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना। अब बारी आती है अमेजिंग इन्फॉर्मेशन की, ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। अगर आप एक सिंगल सोप लेते हो तो आपको ये 98 रुपीज का मिलता है। अगर आप
एक फेशियल ऑयल को लेते हो आपको ये 599 कॉस्ट करेगा। इस बॉक्स में मुझे दो दो मिले थे, इट मीन मुझे ओवरऑल चार प्रोडक्ट्स मिले थे। चारों प्रोडक्ट्स का अगर आप टोटल करोगे ना पैसा, तो आपका 1394 रुपीज आ रहा है, जो काफी ज्यादा ऊपर हो जाता है। बट मैंने इसके लिए पे किया है 499 रुपीज। इसे किया है तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है। आपको जस्ट सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे चेकआउट करना है, वहां पर लिंक्स दे रखे हैं, डिटेल्स दे रखी है कि एक प्रोडक्ट इतना महंगा है, बट ओवरऑल अगर आप पूरा पैकेज लेते हो तो आपको 499 रुपीज का पड़ता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो मुझे लाइक देना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट इज टोटली फ्री टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, कीप सपोर्टिंग मी टिल देन। बाय बाय।